हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फूडी गुरु में। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही अच्छा रेसिपी जो कि विंटर स्पेशल है, और ये है खजूर ड्राई फ्रूट्स रोल, जो कि बहुत आसान है बनाने में और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है शुगर फ्री है और ये बनाना भी बहुत आसान है, मतलब ये कि ये शुगर वाले लोग भी खा सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ले लिया है एक कटोरी में खजूर, जो कि आप देख सकते हैं इसका जो अंदर बीज होता है मैंने निकाल लिया है सारे बीज और इसको एक कटोरी में रख लिया है। फिर इसको मैंने मैश कर दिया है अच्छे तरीके से, एकदम आप देख सकते हैं। तो इसको मैंने मैशर से अच्छे से मैश किया है। फिर मैंने लिया है खसखस। खसखस को मैंने क्या किया है, थोड़ा सा इसको भून दिया है। खसखस भून जाने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है पिस्ता, और पिस्ता को बारीक काट के रखा था मैंने, इसको अच्छे से डाल दिया है। और थोड़ा सा भून जाने के बाद मैंने एक प्लेट में रख दिया है कि तब तक ये ठंडा होगा। फिर मैंने फ्लेम को ऑन किया है और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू बादाम और पिस्ता अच्छे से काट के रख लिया है, और ये मैंने इसमें डाल के और इसको मैं जैसे ही भून रही हूँ गरम, थोड़ा सा गरम जब हो गया है तो मैंने इसमें डाल दिया है एक चम्मच घी, और फिर मैं इसको घी के साथ अच्छे से भून रही हूँ। फिर जब ये अच्छे से भून गया है, मतलब थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ है, फिर मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। फिर उसी पैन में मैंने डाल दिया है मैंने भर के 2 चम्मच घी, और फिर ये जो मैंने मैश करके रखा हुआ था खजूर, ये खजूर भी मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। और फिर इसको थोड़ा सा प्रेस करके दबा दबा के मैं इसको घी के साथ और मिक्स कर दी हूँ। मिक्स होने के बाद जो है मैंने इसमें डाला है 1 कप जैसा पानी। पानी को पूरा एक ही बार नहीं डाला है मैंने, आराम आराम से इसमें पानी डालेंगे ताकि ये जो खजूर है ये नरम हो जाए और इसका रोल हम अच्छे से बना सके इसके लिए। और थोड़ा सा 5 मिनट तक मैं इसको अच्छे से चलाई हूँ, और जब पानी अच्छे से इसमें सोख गया है फिर मैंने इसमें जो ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे सारे इसमें मिक्स कर दिया है एकदम अच्छे से। तो आप देख सकते हैं इसे दबा दबा के मैंने इसको 5 मिनट तक मिक्स किया है। मिक्स हो जाने के बाद मैंने पेपर में इसको निकाल लिया है, आप देख सकते हो। फिर हम बनाएंगे इसका परफेक्ट रोल। तो परफेक्ट रोल बनाने के लिए, आसान करने के लिए मैंने इसको 2 भाग में पार्ट लिया है, तो इसका 2 पार्ट लिया मैंने और दोनों का रोल बना लिया है इस तरीके से, आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, एकदम चिकना। फिर जो मैंने खसखस और पिस्ता भून के रखा था ना, उसको एक बड़े प्लेट में डाल दिया है। और ये जो मैंने रोल बनाया था, ये रोल भी मैंने इसके ऊपर इस तरह से मैंने सारा कवर कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये कवर हो गया है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना, बनाना बहुत आसान है इसको। फिर मैंने पेपर में इसको ऐसे लपेट दिया है, आप देख सकते हो। और फिर इसको है ना 25 या 30 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया है, और फ्रिज में रखने के बाद मैंने ये जो रोल है इसको बाहर निकाला है और इसको अच्छे से मैंने चाकू से कट कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से ये जो ड्राई फ्रूट्स रोल है ये बन के तैयार हुआ है, एकदम शुगर फ्री। तो आप अपने घर में इसको जरूर बनाएं, ये विंटर में बहुत ही लाभदायक है खाने में। तो इस ऐसे ही स्वादिष्ट और लाजवाब रेसिपीज के लिए आप मेरा चैनल फूडी गुरु लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।